हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट साउथ मूवीज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल क्रेजी फॉर मूवीज को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल बटन को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंघम 3 के हिंदी डब से जुड़ी हर बात, जैसे कि कौन सी कंपनी ने इस मूवी को डब किया है, किस डबिंग आर्टिस्ट ने सूर्या को इस मूवी में आवाज दी है, और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब आपको मिलेगी इस मूवी की डायरेक्ट डाउनलोड लिंक और कब तक ये मूवी आ सकती है YouTube पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। दोस्तों, कल रात सबसे पहले जब टीवी पे प्रोमो भी नहीं आया था इस मूवी के डेट का, तब हमारे चैनल ने आपको ये न्यूज़ दे दी थी कि ये मूवी 26 अगस्त को जी सिनेमा पे रात 9 बजे आने वाली है। रात के 10:30 बजे तक ये न्यूज़ सिर्फ दो जगह पर अवेलेबल थी, एक तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और दूसरा हमारे ऑफिशियल पार्टनर फेसबुक पेज पर। फिर 10:30 बजे के बाद जैसे ही बाकी सारे पेजेस ने हमारा वीडियो और हमारे फेसबुक पेज पे ये न्यूज़ देखी, फिर उन्होंने भी इस न्यूज़ को अपने पेज पर डाल दिया। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद कल मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास एक फेक न्यूज़ थी कि ये मूवी 2 सितंबर को आने वाली है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप फेक न्यूज़ से हमेशा बचे रहिए। शायद इसीलिए आज सुबह होने तक हमारे उस वीडियो पे करीब 20 डिसलाइक आए हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं था हम पर। वो सोच रहे थे कि बिना प्रोमो आए ये आदमी कैसे न्यूज़ दे रहा है। तो दोस्तों, अब तो प्रोमो आ ही गया है, आप लोगों में से सब ने देख ही लिया होगा और अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी न्यूज़ 110% राइट थी। मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस न्यूज़ पर भरोसा दिखाया और हमारे वीडियो को लाइक किया। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूं अगर आपको हमारे वीडियो पर ट्रस्ट होता है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, हमें पता चले कि आपको हम पे कितना भरोसा है। दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि सिंघम 3 के हिंदी डब वर्जन का नाम रखा गया है सूर्या S3, क्योंकि इसके तमिल वर्जन का दूसरा नाम S3 भी था। सिंघम 3 को हिंदी में डब किया गया है साउंड्स एंड विजन स्टूडियो में, जहां पर गोल्डमैन टेलीफिल्म्स की लगभग हर मूवी डब की जाती है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सिंघम 3 में सूर्या को किसने आवाज दी है और आखिर क्यों संकेत मात्रे ने इस मूवी में सूर्या को आवाज नहीं दी, जिन्होंने सिंघम 2 में सूर्या को आवाज दी थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, सिंघम 3 के हिंदी डब वर्जन में सूर्या को आवाज दी है आदित्य राज सर ने। इन्होंने इससे पहले इरुमुगन में विक्रम को आवाज दी है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को इस मूवी की डबिंग शायद पसंद नहीं आ रही है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको हर मूवी में संकेत मात्रे की आवाज नहीं मिल सकती है, क्योंकि संकेत मात्रे सर अब इतने बड़े और फेमस डबिंग आर्टिस्ट बन चुके हैं, उनके पास बहुत ही बड़े बड़े मूवीज के डबिंग की ऑफर्स आते रहते हैं। आपको बता दें कि जब सिंघम 3 की हिंदी डबिंग हो रही थी, उस वक्त संकेत मात्रे सर VIP 2 में धनुष की डबिंग कर रहे थे। तो आदित्य राज सर ने इरुमुगन में बहुत ही अच्छी डबिंग की थी, हमें डबिंग आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और संकेत मात्रे सर का अगर हम वेट करते तो शायद ये मूवी थोड़ी और लेट हो सकती थी। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के YouTube अपलोड और डाउनलोड लिंक की। तो दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, मूवी टेलीकास्ट होने के अगले दिन अगर किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम मूवी टेलीकास्ट के अगले दिन दोपहर 12 बजे तक इसी चैनल पर आपको डाउनलोड लिंक दे देंगे। अगर आप चाहते हो कि डाउनलोड लिंक वाला वीडियो जैसे ही हमारे चैनल पर अपलोड हो आपको जानकारी मिल जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ये बेल बटन होता है, जिसे हम आपको अक्सर दबाने को कहते हैं, प्लीज उसे दबा दीजिए। अगर आपने इसे पहले से दबा के रखा है तो इसे दबाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब करते हैं YouTube अपलोड की बात। तो दोस्तों, जैसा कि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो मूवी जी सिनेमा पर आती है वो ऑफिशियली किसी भी चैनल पर अपलोड नहीं होती है, क्योंकि इस मूवी का तेलुगु वर्जन अभी भी YouTube पर पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये मूवी आपको टेलीकास्ट के 2 दिन या 3 दिन के बाद YouTube पर मिल जाएगी, कि अगर इसके एनकोडेड वर्जन को कोई अपलोड करता है तो। पर इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि YouTube की बात है, कॉपीराइट प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई एनकोडिंग ना करे तो अलग बात है,
पर वेबसाइट वालों से मैंने बात की थी, वो लोग कोशिश करेंगे कि 2 दिन के अंदर इसे एनकोड कर ले, पर उससे पहले ही मैं आपको इस मूवी की डाउनलोड लिंक दे दूंगा। जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी मूवी की एनकोडिंग करने में लगभग 5 से 6 घंटे या फिर 1 दिन लग जाता है, इसीलिए वेबसाइट वाले भी एनकोडेड वर्जन को 2 या 3 दिन के बाद ही अपलोड करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सिंघम 3 के हिंदी डब वर्जन का नया प्रोमो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रेजी फॉर मूवीज़।